अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग नसीम कुकिंग फैंसी पर। आज हम आपको बताएंगे बीफ कीमे का फ्राई कोफ्ता। इसमें हमने लिया है 1.5 किलो यानी 1.5 किलो कीमा, 2 टमाटो, हरा धनिया, और ये मैंने पहले से प्याज को चॉप करके रख लिया है छोटा छोटा। ये पुदीना है, ये 2 चम्मच उसका पाउडर है जीरे का, और ये हमारा मेहरान कंपनी का कबाब का स्पेशल मसाला है, इसको हम दिखाते हैं। और हम इसमें स्पाइसी नहीं करेंगे, ये रेड चिल्ली है लेकिन हम नहीं डालेंगे। और अब हम शुरू करते हैं। पहले से ये कीमा इसमें डाल दिया ये तरीके से, ये 1.5 किलो कीमा है, इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स करेंगे। ये टमाटो इसमें मैश करेंगे, ये प्याज भी इसमें क्या मैश करेंगे इस तरीके से। ये कटा हुआ पुदीना है, ऐसे इस तरीके से इसमें मैश करना है। इसमें धनिया है और बासिल, ये दोनों चीज़ इसमें मैश कर लेंगे इस तरीके से। नमक अपने हिसाब से, स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा, लेकिन एक चम्मच में डालता हूँ इस तरीके से, ज़्यादा ना हो। और ये 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर है, काला मिर्च। और ये जो कबाब का मसाला है ये स्पेशल है मेहरान कंपनी का, ये 2 चम्मच, ये हो गया। इसको मिला देंगे इस तरीके से। और इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, फिर हम इसको फ्राई करके आपको। भाइयों दोस्तों, ये मैंने रख दिया था फ्रिज में 1 घंटे के लिए, अभी इसको मैंने निकाला है। ये हमारा तेल चढ़ा हुआ है, इसको हम इस तरीके से इसमें डालेंगे। न ज़्यादा लाइट ना लो हो, मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद में हम इसको इसका सॉस भी बना के दिखाएंगे इस तरीके से। ये है कीमे का कोफ्ता फ्राई वाला, तो इस तरीके से फ्राई करें। बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब, स्पाइसी, क्रिस्पी सब इसमें आता है। हाँ दोस्तों, ये कोफ्ता मैंने फ्राई कर लिया है, और ये दही का सॉस बनाने के लिए एक डब्बा 200 ग्राम का दही ले लिया इसमें इस तरीके से। इसमें हम 3 चम्मच विनेगर डालेंगे, ये विनेगर, इसको हिंदी में सिरका भी कहते हैं, उर्दू में भी सिरका कहते हैं, ये विनेगर। और इसमें ये नमक स्वाद अनुसार, ज़्यादा थोड़ा नहीं, इसको हम इसे मिक्सी से मिक्स कर लेंगे इस तरीके। सॉस बन गया, इसको आप इसमें चाहे ऊपर ऐसे डाल लीजिए, एक और बना दीजिए, या फिर आप इसमें ले के भी खा सकते हैं। और भाइयों दोस्तों, चेक करो इस तरीके से, ये स्वाद है इसका, मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। बहुत ही प्यारा लजीज टेस्ट है,
आप भी बनाइए, खाइए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक भी करिए, साथ साथ आगे बढ़ाइए। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।